आखिर ऑटो रिक्शा में 4 टायर क्यों नहीं लगाए जाते? दोस्तों आपको बता दूं कि ऑटो रिक्शा में 3 टायर का इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करने के लिए होता है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि इन गाड़ी को बनाने में खर्च होने वाली कीमत, और ऑपरेशनल कॉस्ट का मतलब होता है इन गाड़ी को चलाने में खर्च होने वाली कीमत। 3 टायर होने की वजह से ऑटो ड्राइवर 1 टायर के खराब होने पर आने वाले खर्च से भी बच जाता है, और 3 टायर पर चलने वाली गाड़ी फ्यूल एफिशिएंट भी होती है। यानी इन गाड़ियों की स्पीड तो कम होती है पर ये माइलेज काफी अच्छा देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर कार में 3 टायर क्यों नहीं लगाए जाते, लेकिन दोस्तों ऐसा किया जा चुका है। कुछ कार ऐसी बनाई जा चुकी है लेकिन बाद में कम पॉपुलर होने की वजह से 3 पहियों वाली कार बनाने का आइडिया फेल हो गया। अगर बात करें कार की तो 4 टायर होने की वजह से कार की स्पीड तो काफी तेज होती है पर इनका माइलेज बहुत कम होता है। साथ ही ये भी जान लीजिए कि ऑटो रिक्शा में 3 टायर होने की वजह से ये कम स्पेस लेते हैं और पतली से पतली गलियों में भी आसानी से चले जाते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।